हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज दिया। आज के इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ, जैसे कि बैचेस के बारे में कैसे पता चलता है, हमें हमारी लोकेशन कैसे पता चलती है कि क्लासेस कहाँ पे लगने वाली हैं, या एलएन में एडमिशन कैसे लें, या हॉस्टल की क्या फैसिलिटीज मिलती है हमें, हॉस्टल की फीस क्या होती है और हमारी कोचिंग की क्या फीस है, हमें क्या सामान पैक करना चाहिए एंड वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं सब क्लियर करूँगी आज एक इसी वीडियो में। तो मेक श्योर कि आप एक अच्छी जगह बैठ जाए, आराम से मेरी वीडियो देखें, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो एंड सारी बातें अच्छे से समझें। अगर आपको कुछ नोट डाउन करने का लग रहा है तो नोट भी कर लेना। एंड बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो जितने डाउट्स आपके मन में होंगे ना, वो आज मैंने सारे लिख लिए हैं और आज उन सब डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट लॉन्गर एंड मुझे ये लगता है कि वीडियो बड़ी हो जाएगी, उस चक्कर में थोड़ी रीच भी कम हो सकती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना है ताकि इसकी रीच कम ना होए। ऑल्सो चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं हूँ एक नीट एस्पिरेंट और मैं एलएन में भी थी, और स्टडी व्लॉग्स वगैरह, मोटिवेशन वगैरह सब कुछ, बहुत सारा कंटेंट बनता है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैं ये बताना चाहूँगी कि आई ऑल्सो मेड अ प्लेलिस्ट जिसमें मैंने एलएन के सारे टॉपिक्स कवर करे हुए हैं। मतलब लीडर बहुत ज़्यादा अच्छा है, अचीवर है ना, और क्या क्या हॉस्टल एसेंशियल हमें पैक करने चाहिए, मतलब जो हमें ज़रूरत होती है वहाँ जाने के लिए। तो मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू चेक दैट प्लेलिस्ट आल्सो। तो पहली चीज़ ये है कि मतलब ऑलरेडी एलन में एडमिशन कैसे लेते हैं, ठीक है। तो देखो, दो तरीके हैं एलन में एडमिशन लेने के लिए, या तो डायरेक्ट एडमिशन ले लो और या तो आप अपने स्कॉलरशिप टेस्ट दे के दे लो। ए सेट बोलते हैं उसको, एलन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, ठीक है। तो ए सेट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं उस टॉपिक को छेड़ना भी नहीं चाहती, बस मुझे डायरेक्ट एडमिशन के बारे में पता है। तो हम सीधा डायरेक्ट एडमिशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ऑल्सो ए सेट का पेपर बस मुझे इतना पता है दिसंबर के अराउंड होता है, तो अभी तो उसमें टाइम है, आप ऑब्वियसली ए सेट का पेपर दे के एडमिशन नहीं ले सकते, तो हम डायरेक्ट एडमिशन पे ही आ जाते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी डेट से बैच स्टार्ट होने वाले हैं या उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। तो एलएन की एक सिंपली वेबसाइट है, ln.ac.in, आप उसको सर्च करोगे। अब आपको पता चल गया कि आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना है और उसकी क्या लोकेशन होने वाली है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम एडमिशन जाके लें या रजिस्ट्रेशन कर लें। देखो मेरी मानो तो ऑनलाइन एडमिशन कभी मत लो, ठीक है। पूरी फीस मत दो ऑनलाइन, मतलब ऐसे ही जाके, क्योंकि आप पहली बार जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कुछ भी, वहाँ चीज़ें कैसी हैं, एनवायरनमेंट कैसा है। तो ऑब्वियसली अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले लोगे और उसके बाद आपको वहाँ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा या वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया, तो भाई तो वेस्ट चला जाएगा मनी, प्लस आपको वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से मानो तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप चलो रजिस्ट्रेशन करा लो, रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं है, एंड एडमिशन आप वहाँ जाके लो, क्योंकि जब हम वहाँ चले जाएंगे तो हमें वहाँ हॉस्टल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, हम एलन की बिल्डिंग जाके एडमिशन करा पाएंगे और हमें पता चलेगा कि हमारी क्लासेस कौन सी बिल्डिंग में लगने वाली हैं, किस टाइप की क्लासेस हैं और उसके आजू बाजू की सोसाइटी कैसी है, हॉस्टल कैसी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी उसी में कवर हो जाएंगी, एंड अगर आप वहाँ के एनवायरमेंट से एकदम सेटिस्फाई हो रहे हो तभी जाके वहाँ एडमिशन ले लेना। तो अब फीस वगैरह की बात करें तो उसकी फीस मतलब जाती है अप्रॉक्स 1,40,000 तक जाती है, या 1,36,000 चल रही है, मे बी मैं एकदम प्रॉपरली क्लियर नहीं हूँ। तो आपकी ये टोटल फीस रहेगी जिसमें आपको आपकी मतलब ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगी एंड आपको सारे आपके फैसिलिटीज़, मतलब जो भी आपको बैग मिलेगा या नो मॉड्यूल्स मिलेंगी, बॉटल मिलेगी, पैन मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें उसी फैसिलिटीज़ में आपको मिल जाएंगी। हमने एडमिशन करा लिया, फीस के बारे में पता चल गया, अब हम थोड़ा हॉस्टल के बारे में जान लेते हैं। देखो हॉस्टल के लिए सिंपली ये है कि मतलब जब आप वहाँ अपना एडमिशन कराओगे ना, तो वहाँ पे जो काउंटर्स पे बैठे होते हैं ना, या तो हेल्प काउंटर है या तो कैश काउंटर है, तो इन्हीं में से कोई ना कोई, मतलब मे बी मैं कन्फर्म नहीं, क्योंकि मैं कभी अपना एडमिशन कराने नहीं गई, मेरे पेरेंट्स जाके कराए आए थे, तो वहाँ से कोई ना कोई पूछ लेता है, ये आपको हॉस्टल दिखा देते हैं, आप कौन सा हॉस्टल देखोगे, आपका बजट क्या है, ये वो करके बहुत सारे पूछ लेते हैं। तो आप उनके मतलब, और वो पता है क्या करते हैं, आपको उनकी ही कार होती है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको जाने में दिक्कत होगी, वो मतलब 100 मीटर में ही आपको गाड़ी से लेके जाएंगे और आपको जिस हॉस्टल मतलब अच्छा हॉस्टल दिखाएंगे, एंड आपको जो हॉस्टल आपको बेस्ट लग रहा है आप वो सिलेक्ट करिए, बेस्ट लग रहा है आपको फैसिलिटीज़ के हिसाब से, मतलब कि उस ऑब्वियसली 2-4 चीज़ें एडिशनल हो सकती हैं हॉस्टल में जो पूरा या तो मतलब कि डिफरेंस कर सकती हैं, तो आप अपने फैसिलिटीज़ के हिसाब से अपना हॉस्टल सेलेक्ट कर लीजिए, एंड उसका कुछ सिक्योरिटी मनी के हिसाब से डाउन पेमेंट वगैरह होता है वो सब देना होता है, तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आप खाने के टाइम पर जाते हैं हॉस्टल में, तो आप मतलब खाना खा के भी देख सकते हैं,
है ना, वो आपको लंच, अगर मतलब आप लंच टाइमिंग पे गए हो तो, यानी लंच टाइमिंग होती है 1-2 बजे करीब, तो आप उस टाइम गए हो तो वो आपको अपने हॉस्टल का खाना खा मतलब खाना खिला के दिखा देंगे, मतलब बता देंगे, मतलब अरे यार मतलब खाना खिलवा देंगे, और आप टेस्ट कर सकते हो कि वहाँ का उसका खाना वगैरह कैसे होने वाला है। जो आपकी मॉर्निंग की क्लासेस है ना, वो सुबह लगती हैं 7 बजे से, या मे बी 6:45 से टाइमिंग है, 15 मिनट की प्रेयर होती है, तो 6:45 से लगती है हमारी वो क्लास 1 बजे तक। तो जो हमारा इवनिंग वाला बैच लगता है वो लगता है 2 बजे से 8 बजे तक। एंड एक दिन में वो 4 क्लासेस होती है, 1 आवर 35 मिनट्स की क्लास होती है, उसके बाद 15 मिनट ब्रेक, फिर 1 आवर 35 मिनट क्लास, फिर 15 मिनट ब्रेक, ऐसे करके पूरा 6 घंटे तक क्लासेस हैं, 4 क्लास हैं, 3 ब्रेक हैं। एंड आपके कोचिंग में, यानी कि मतलब जो भी आपकी, मतलब ऑब्वियसली जो भी आपकी बिल्डिंग होगी उसमें हमारा वो कैंटीन भी होती है, तो अगर आपको कुछ भूख वगैरह भी लग रही होती है तो आप उस 15 मिनट के ब्रेक में खा सकते हो। एक चीज़ मैं और बता दूँ जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आप मतलब ऑब्वियसली आप अगर आप ऐसे आगे बैठने ज़्यादा प्रेफर करते हो तो आपको क्लास सुबह की मॉर्निंग की क्लास में ना बहुत ज़्यादा जल्दी जाना होगा। मतलब अगर आपकी 6:45 की क्लास है तो मतलब आप 6 बजे वहाँ पे पहुँच जाओ, तब जाके आप आगे बैठ पाओगे, नहीं तो बहुत भीड़ आ जाती है। एंड सेपरेटेड क्लास है, मॉर्निंग की तो सेपरेट है, गर्ल्स के अलग क्लासेस है, बॉयज़ के अलग। इवनिंग का मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, और मैंने बहुत ऐसे मतलब देखा भी है कि इवनिंग में कोएड क्लासेस भी होती हैं। थोड़ा बहुत और हॉस्टल की बात कर लेते हैं कि हमारे हॉस्टल में मिनिमम फैसिलिटीज़ क्या क्या मिल जाती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब भी हम जाएंगे यानी हॉस्टल से बाहर, तो एंट्री करनी होगी, और आएंगे तो एंट्री करनी होगी। बहुत सारे हॉस्टल्स में बायोमेट्रिक भी है, तो एंट्री करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, बायोमेट्रिक से एंट्री हो जाती है। एंड फिर आपकी एंट्री जब भी आप बाहर जाते हो या यहाँ के लिए भी जाते हो तो उसका मैसेज आपके पेरेंट्स को चला जाता है। तो ये जो बायोमेट्रिक वाली है, ये मतलब सारे हॉस्टल में नहीं है, बहुत सारे हॉस्टल ऐसे भी हैं जिसमें बायोमेट्रिक होती नहीं है, और बहुत सारे हॉस्टल ऐसे भी हैं बायोमेट्रिक है भी तब भी वो यूज़ नहीं करवाते। सुबह आपका ब्रेकफास्ट का टाइमिंग वही हो जाता है आपकी, यानी 6:45 की क्लास है, तो आपको 6 बजे तक या उससे 5:30 बजे तक मान लो कि आपको ब्रेकफास्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। आपको खा के जाना है तो खा के चले जाओ, नहीं तो पैक करके आप वहाँ पर ले जाओ। एंड उसके बाद जब आप क्लास से वापस आते हो तो 1 से 2 बजे तक आपकी लंच की और टाइमिंग होती है, मे बी शायद 2:30 तक हो जाता है, एंड या 3 बजे तक होता है, मतलब कंफर्म नहीं हूँ मैं भी, ये सब चीज़ें तो आपको वहाँ पे जाके भी पता चल जाएंगी। तो आपका लंच के टाइमिंग के बाद उसी टाइम आपकी मेड आ रखी होती है जो आपके हॉस्टल मतलब आपके रूम की पूरी सफाई कर देगी। एंड आपको बाथरूम साफ़ कराना है तो आप बाथरूम साफ़ करवा सकते हो। उसके बाद आप हॉस्टल में रेस्ट कर सकते हो, उसके बाद मतलब पढ़ लो या रेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो। एंड हॉस्टल में दोनों टाइप के रूम अवेलेबल होते हैं, एक तो कूलर वाले भी और एक तो एसी वाले भी, है ना, और सारे सेपरेट रूम होते हैं। अगर आप डबल रूम भी लेना चाहते हो, मतलब जिस रूम में दो जन एक साथ रहते हैं, तो वो भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि ऐसे रूम मिलते नहीं है ज़्यादा आसानी तक। अगर आप दो जने जा रहे हो तो वो उसमें आसानी से मिल जाते हैं, नहीं तो वो डबल रूम भी ना सिंगल सिंगल जने रहने लगते हैं। एंड उसके बाद आपको मिलता है शाम 5 बजे स्नैक्स, जिसमें आपको वो बिस्किट दे देते हैं या कुछ उनके स्नैक्स में से चाउमिन बन जाएगी, मैक्रोनी बन जाएगी, या वो आपको पापे दे देंगे, तो जो भी उनके स्नैक्स होते हैं वो मिल जाएगा आपको। हर दिन अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि सेम डे खाना रिपीट होता है। दिन में दाल चावल मस्ट होते हैं, और उसके साथ कोई सब्जी होगी, मे बी 2 सब्जी हो सकती हैं, वो तो अब हॉस्टल पे डिपेंड करता है, और पैसों पे डिपेंड करता है कि जौन से जिसका हॉस्टल में उस पर ज़्यादा ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ मिलेगी। एंड उसके बाद रात 8 बजे हमारी होती है डिनर की टाइमिंग, तो रात 8 बजे हमें डिनर करना होता है। ऑल्सो अगर हमें कहीं बाहर भी जाना होता है हॉस्टल के बाहर, तो हम आराम से जा सकते हैं, बट रात के 8 बजे से पहले हमें वापस आना होता है। मतलब मेरे हॉस्टल की तो एंडिंग टाइम ये था, उस एंड था 8 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती थी, तो मतलब बंद हो जाती थी इन द सेंस कि आपको हर हालत में 8 बजे तक आना ही था। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया हमारा हॉस्टल का, है ना, और मे बी आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो वीडियो भी मैंने बना रखी है हॉस्टल फैसिलिटीज़ पे, जिसपे सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, आप उसको भी देख लेना एक बार। देखो इन्वायरमेंट तो वहाँ अगर देखा जाए तो सेफ है, ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट सेफ नहीं होगा या वहाँ दंगे फसाद ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्वायरमेंट हमारा अच्छा खासी सेफ है, गर्ल्स के लिए भी एंड बॉयज़ के लिए तो सारे इन्वायरमेंट ही सेफ होते हैं। वार्डन जो है वो हर चीज़ का ध्यान रखती है, अगर आपको कुछ भी कंप्लेन करनी है तो आप वार्डन को आराम से कंप्लेन कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। एंड अगर कंपटीशन की बात करी जाए तो कंपटीशन तो देखो वहाँ बहुत है, आपकी क्लास में ही 100+ बच्चे होंगे, तो आपको पता ही चल जाएगा कितना कंपटीशन है। एंड ऐसा नहीं है कि सब बिल्कुल नहीं पढ़ते, सब बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको फील हो सकता है कि भाई आप लो या अभी आप बहुत पीछे हो, बट ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी अगर आप डेली हार्ड वर्क करोगे और मेहनत करोगे या कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, डिसिप्लिन करोगे, सिर्फ पढ़ाई करोगे। नहीं तो ऐसा भी एनवायरनमेंट है वहाँ का, अगर आप वहाँ मस्ती में लग गए तो आप रोज़ मस्ती कर सकते हो, बहुत सारे गर्ल्स के ग्रुप बन जाते हैं जो सिर्फ दिन भर एंजॉयमेंट करती रहती हैं पढ़ाई वढ़ाई से, उन मतलब
थोड़ा दूर हो जाती हैं, या बॉयज़ के ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं। तो इसमें देखो आपका कोई फॉल्ट नहीं होता, मतलब मैं उन ग्रुप्स का कोई फॉल्ट नहीं है, वो तो देखो आप अपने आप को जिस एनवायरनमेंट में ढालोगे आप उस एनवायरनमेंट में ढल जाओगे। अगर आप वहाँ सोचोगे कि नहीं मुझे फ्रेंड्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, अपने आप को आगे बढ़ना है, मेरा किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, मुझे अपने आप खुद से खुद को ही इम्प्रूव करना है, तो आप उस एनवायरनमेंट में ढल जाओगे। एंड अगर आप सोच रहे हो यार ये अच्छा दोस्त हो गया मेरा, ये अच्छा हो गया, चलो थोड़ी दोस्ती कर लेते हैं, मस्ती करते हैं, वो उस टाइम रियलाइज आपका वेस्ट हो जाता है। तो उस टाइम आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आपका टाइम वेस्ट हो गया है, ये रियलाइज़ आपको तब होगा जब पेपर आने वाला होगा कि शिट यार मैं तो पढ़ने गया था, एक साल वेस्ट हो गया, ये करके बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं उस टाइम। मैं तो आपको यही गाइड करूँगी कि अगर आप अपने प्रिपरेशन पीरियड समझ के गए हो, अगर आप प्रिपरेशन करने गए हो, तो वहाँ सिर्फ प्रिपरेशन पर ध्यान दें, ज़्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दें, अपने क्लास से मतलब, अपने अच्छे हेल्थ से मतलब, अपना खाना पीने से मतलब, अपनी प्रॉपर स्लीप साइकिल से मतलब रखें, और किसी चीज़ से मतलब ना रखें। और हाँ, टाइम टू टाइम मतलब जिस दिन उन्होंने आपको वर्क कराया, यानी जो भी लेक्चर पढ़ाया है या होमवर्क जिस दिन है, वो सेम डे कंप्लीट कर लेना, क्योंकि अगर आपने एक दिन में छोड़ दिया ना, वो नेक्स्ट डे आपका पाइल्ड अप होता जाएगा और ये सारा आपका सिर्फ बैकलॉग बन जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। एंड अगर आप वहाँ पर जा रहे हो, मेक श्योर कि आप अपने ये दिमाग में रख के जाना कि आप वहाँ सिर्फ पढ़ने जा रहे हो। एंड अगर आपको लगता है कि आप घर से दूर रहकर पढ़ पाओगे, ऑफलाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होने वाला है एनवायरनमेंट आपके लिए, तभी जाना। नहीं तो देखो फीस भी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से हॉस्टल में रहने का भी खर्चा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो बहुत सारे बच्चे मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स तो यार मतलब चाहते ही हैं आपका बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए, सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं क्या बताऊँ यार, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि अगर आप इतनी महंगी कोचिंग में इतने दूर जा रहे हो, तो ये मत भूलना कि आपका गोल क्या था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ पे भी एक पूरी दोबारा से वीडियो बना लूँ, तो मैं वो भी कर दूँगी, बट इस वीडियो पे चलो ठीक है 200 प्लस लाइक आए ना, मैं तभी बनाऊंगी। तो मेरे इस वीडियो को बनाने के एफर्ट्स को प्लीज़ वेस्ट मत होने देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। एंड अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलो ठीक है फिर, बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। एक चीज़ बोलना मैं भूल गई थी कि अगर आपके मन में स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नहीं, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो किसी टॉपिक के बारे में, या कोई भी चीज़ जानना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे इंस्टा हैंडल पे मैसेज कर देना, दिस इज़ माय इंस्टा हैंडल, एंड इस पर आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हो एंड फॉलो भी कर लेना प्लीज़। दिस इज़ माय न्यू इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो मैंने सिर्फ यूट्यूब के लिए ही बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर पाए, ऑल्सो हम थोड़ा कॉन्टेक्ट में रह पाए।